आज क्या हो के नौवे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की खबरों की हम शुरुआत करेंगे बेंगलोर से। बेंगलोर में सुबह के 11 बजे के करीब बेंगलोर के लगभग आधे बेंगलोर ने तीन चार बार काफ़ी तेज़ तेज़ धमाके सुने और लोगों का दावा है कि एलियन के सुपरसोनिक प्लेन की आवाज़ थी। कोई कह रहा है कि बेंगलोर में एलियन आ गए, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये मिराज 2000 की आवाज़ थी। ये आवाज़ इतनी भयंकर थी, इतनी डरावनी थी कि ट्विटर पर भी बेंगलोर ट्रेंड कर गया और लोग वीडियो शेयर कर रहे थे किस तरह से बेंगलोर में काफ़ी तेज़ आवाज़ और अपने व्यूज शेयर कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के लोग जो देश के कोने कोनों से अपने घर जा रहे हैं और अपने घर जाने की जुगत में है, अब बिहार सरकार को वो लोग घेरते नजर आ रहे हैं और बिहार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आज़ादी को इतने साल हो गए, बिहार में इतने सालों तक इतनी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पाई कि आधे बिहार के लोगों को भी काम दे सके। और लोग नीतीश कुमार से डिमांड कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज इन बिहार, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, नीतीश कुमार अपना वो चुनावी वादा पूरा करें जिसके साथ वो सत्ता में आए थे कि बिहार में लोगों को नए रोजगार मिलेंगे, नई इंडस्ट्रीज खोलेंगे। लेकिन लोग आरोप भी लगा रहे हैं साथ ही साथ नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार एक भी नई इंडस्ट्री खोल नहीं पाए। अब बिहार में जो सरकार है, बिहार की सरकार जो गठबंधन की सरकार है, उसके नेता इस वक्त सोशल मीडिया से इतने परेशान हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया बंद ही हो जाए क्योंकि इससे उनकी सरकार की बदनामी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब हम सोशल मीडिया की सवारी करके सत्ता में आते हैं, सोशल मीडिया के दम पर सत्ता में आते हैं, तो कभी कभी जो सोशल मीडिया पर विरोध होता है उसका भी आपको सामना करना ही होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। नेपाल के प्रधानमंत्री पर चाइना का नशा सवार है और इस चाइना के नशे में उन्होंने ना सिर्फ अपने देश के नक्शे को बदल के भारत की कुछ को अपने देश के नक्शे में दिखा दिया है और 1975 के अपने नक्शे को बदल लिया है। बल्कि वो कह रहे हैं कि भारत का कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है, चीन और इटली के कोरोना वायरस से हमको भारत के कोरोना वायरस से बच के रहना होगा। और कोरोना वायरस चाइना ने नहीं फैलाया बल्कि भारत फैला रहा है। इस तरह का बयान अगर एक नेपाल का प्रधानमंत्री दे रहा है तो यकीनन इसके पीछे क्या वजह है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल की सबसे ज़्यादा मदद भारत ही करता है। जब नेपाल में भूकंप आए थे तो भारत ने कितने ही वहाँ पर घर बनवाने में सहयोग दिया, भारतीय आर्मी वहां पर ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों की मदद की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल को हर साल अरबों रुपए की मदद भारत से मिलती है, लेकिन इसके बावजूद अगर नेपाल इस तरह की भाषा भारत के खिलाफ अपना रहा है तो इसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी है और इस आवाज को बंद करना बेहद जरूरी है। अब आखिरी खबर में बात करते हैं MS धोनी और आकाश चोपड़ा की। आकाश चोपड़ा ने 2 दिन पहले अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें उन्होंने MS धोनी को बाहर कर दिया इंडिया की T20 टीम में से, जिसके बाद MS धोनी के कुछ फैंस ने उनको इतनी गाली दी कि आकाश चोपड़ा को अपना अकाउंट बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा सिर्फ इतनी सी बात की वजह से। और लोगों ने ऐसे फैंस के लिए दुआ मांगी, कहा कि इन लोगों के जो इस तरह के बदतमीज़ फ़ैन हैं, इनके दिमाग भगवान जल्दी से ठीक करे और समझे कि आकाश चोपड़ा की टीम बना देने से का कुछ नहीं हो जाता, वो आकाश चोपड़ा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।